Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography. And what is our topic today? Our resource. There is a most important chapter here. Our resource and first point here, meaning and significance of resource here. As I noted earlier, there are terms resource generally mean the things of utility for the humans, and it could be a both natural as well as the cultural. Human development technology to the utilize the nature favorably. There are popular use of the technology in a natural system turned into the culture. As a way of life is a living, as a such it is attend to the status of the culture resource here. They are important and first point resource form the backbone of the economic of a nation. And without land and water, forest, air and minerals, one cannot be developed agriculture and industries. And there is important second point, the constitute your natural resource like air, water, forest and various life form which are stimuli for human survival and development. And the next year, by the utilizing natural resource, human created, there is an urban work of houses and buildings, need of transport and communication, industries, etc. And these are the also very useful along with the natural resource, and this human made resource are stimuli for a development. There is a most important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा जो है संसाधन, यानी हमारे संसाधन क्या है। देखिए, ये संसाधन जो होती कई महीने में महत्वपूर्ण होती है। इसके एक अंतर्गत जो है पहला पॉइंट आया है संसाधन का अर्थ एवं महत्व। अच्छा, देखिए संसाधन का अर्थ एवं महत्व क्या होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आई है। संसाधन तो आप जानते हो जो इंसानों के जीवन को बहुत ही सरल और सुविधाजनक बना देता है, तो सारे संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन फिर भी ये संसाधन जो है कई मायने महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि पूर्व में लिखा गया है कि संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतः मानवीय उपयोग की वस्तुओं से है, यानी जो इंसान अपने जीवनचर्या में जो है वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसके अंतर्गत लिया गया है। और ये प्राकृतिक और संस्कृति दोनों ही हो सकते हैं, यानी ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और संस्कृति दोनों तरह के हो सकते हैं। मनुष्य प्रकृति के अपने अनुरूप उपयोग के लिए तकनीकों का जो है विकास करता है, और प्राकृतिक तंत्र में किसी तकनीक का जो है जनप्रिय प्रयोग उस एक जो है सभ्यता में जो है परिचित करता है, यथा जीनों का तरीका या जीवन निर्वाह, इस प्रकार के संस्कृति साधन की स्थिति को प्राप्त करता है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर जीवन जीता है तो उसको संसाधन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है, और ये संसाधन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं संसाधन के अंतर्गत ही जो है उसका जीवन जो है निर्वाह बहुत ही आसान बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हमें समझना चाहिए, और जो है संसाधन के बारे में महत्ता को और भी जानने की आवश्यकता है। यदि हम कुछ पॉइंट पे गौर करें तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं। देखिए, संसाधन जो होते हैं कोई भी देश के अर्थव्यवस्था का जो है पुण्य निर्धारित करते हैं। जिस देश में संसाधन है वो देश सदैव ही अमीर रहता है, और जिस देश में संसाधन की कमी है वो जो है अर्थहीन हो जाता है। कहते भूमि, जल, वन, वायु और खनिज के बिना कोई भी कृषि या उद्योग का विकास नहीं कर सकता है। तो ये सारे संसाधन है, चाहे भूमि हो, जल हो, वन हो, वायु को खनिज के बिना कोई भी उद्योग या कोई भी विकास देश नहीं कर सकता है। ये प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूपों का निर्माण भी करते हैं, जो कि मानवीय जीवन एवं विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण रहते हैं। कहते हैं इस संसाधन के अंतर्गत ही जो है जीवन निर्वाह जो बहुत ही सरल और बहुत सुविधाजनक बन जाता है। और कहते हैं अगले पॉइंट की बात करें तो ये साफ कहता है कि इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से मनुष्य ने घरों, भवनों, परिवहन एवं संचार के साधनों, उद्योग आदि के अपने संसार का जो है निर्माण भी किया है। और ये मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के साथ काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है, और मानव के विकास के लिए ये आवश्यक भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर जो है उजागर किया गया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। देयर इज इंपॉर्टेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स हियर। द रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन अ सर्वल वे, वन द बेस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी एंड ओरिजन एंड यूटिलिटी। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, अ रिसोर्स हियर अ थ्री टाइप्स हियर,
of renewability, origin and utility. The objective of classification would be to primarily discuss how we put a resource under a particular category. There is important here. The resource here, there are three types here: renewability, origin and utility. And also here further divide the renewability here, renewable, no renewable and cyclic here. Renewability is the three types here, renewable, no renewable, cycling. And origin is also here two types, biotic, abiotic. But utility here further divide here. The utility is a further divide there, energy and raw material. There is a two types, but energy here are two types and raw material here, three types. There are further divide here, energy and raw materials. The utility divide energy and raw materials. Energy here, no replaceable stuff and the replaceable stuff here. Though is the two types. And raw material here are mineral, vegetation and food. There is the most important classification of resource here. Here to come to the first one, biotic resource. There is the most important here, biotic resource. What do you mean to hear the biotic resource? This resource includes all living elements of the environment. The forest and forest product, crop, birds, wildlife, fishes, and other mineral leaves are example of biotic resource here. And this resource is reproduced and regenerated with himself. Hence are the renewable, coal and mineral oil are also biotic resource, but they are a non-renewable source here. The biotic resource is the most important. And secondly is a biotic resource. This resource includes all living elements of the environment, land, water, air and minerals here. The iron, copper, gold, silver, etc. are abiotic resources. The availability and non-renewable as they are as cannot be regenerated or reproduced here. You know that there is the most important point here, biotic resource or abiotic resource here. The next point here, natural resource satisfied to human want are the free gift of the nature. For example, land, water, soil, etc. There is the most important point here in the box. Natural resource satisfied to human want are their free gift of the nature. Natural resource here, a human, there is a free gift of the nature. For example, land, water, soil, etc. There is a source. And any materials that which is valuable and useful for a human is called a resource. Any materials which is valuable and useful for the human is called a resource. And the next point here, resource or constitute their natural element environment like air, water, forest and various life form, which are essential for human survives as a development here. And the next point here, resource can be classified on the basis of origin, renewability and utility. There is an important point here. On the note down your notebook, there is the most important point in the box. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है संसाधनों का वर्गीकरण. देखिए संसाधन है तो उसका वर्गीकरण भी करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि संसाधन के वर्गीकरण से ही जो है आगे की विशेषताओं को हम जान सकते हैं और इसके बारे में और भी जो है विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं. तो कहते हैं संसाधन का वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है. यहाँ पर देखा जाए तो संसाधन का जो है दो भागों में जो है विभक्त किया गया है, लेकिन इसको जो है उसी के रिगार्डिंग से तीसरा भाग भी दिया गया है उपयोगिता के अनुसार. तो देखिए संसाधन को इस आधार पर कई तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, बट यहाँ पर जो है तीन आधार बनाया गया है, पुनः नवीनीकरण, उत्पत्ति और उपयोग. जैसे कि हम यहाँ पर जो है एक ग्राफ में भी समझने की कोशिश करेंगे, एक फ्लो चार्ट में भी इसके बारे में जो है विस्तारपूर्वक जानेंगे. कहते हैं वर्गीकरण का उद्देश्य जो है प्राथमिक रूप से यह निर्धारित करना होगा कि हम एक संसाधन किस विशिष्ट श्रेणी में रखते हैं और हम कैसे इसको जो है आगे जो है उसको बढ़ा सकते हैं. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है. देखिए संसाधन जो होता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था और उसके जो है तरक्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. जो देश में संसाधन है वो देश सदैव ही फला फुला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है. और इसी के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है. देखिए संसाधन जो होता है उसको हम पहले पुनर्नवीनीकरण के रूप में देख सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर देख सकते हैं या उपयोग के आधार पर जो है इसको वर्गीकृत कर सकते हैं. लेकिन फर्दर इसका भी डिवीजन हो जाता है जैसे कि आगे दिखाया गया है. अब देखिए यहाँ पर जो है आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा होगा जहाँ पर जो है पूर्वी नवीकरण को जो है
तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है। वही उत्पत्ति के आधार को भी जो है इसको दो भागों में विभक्त कर दिया गया है और उपयोग के आधार पर भी जो है इसको आगे विभक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए, पहले हम ले पुनवी नवीकरण देखिए, तो इसका जो है तीन भागों में जो है विभक्त किया गया है, एक नवीनीकरणीय के अंतर्गत, एक अनवीनीकरणीय के अंतर्गत और एक चक्रीय। देखिए ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे नवीकरणीय हो, अनवीकरणीय हो या चक्रीय हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो जैविक अजैविक दो तरह के जो है इसको विभक्त किया गया है, यानी उत्पत्ति के आधार पर इसको जो है जैविक अजैविक के रूप में आगे बढ़ाया गया है। लेकिन अगर उपयोगिता के अनुसार देखें तो उपयोगिता के अनुसार जो है इसको दो भागों में बांटा गया है फिलहाल, ऊर्जा के रूप में और कच्चे माल के रूप में, यानी उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा और कच्चा माल। और ये सारी बातें को जो है आपको अपने कॉपी में नोट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट है बहुत ही आसान है समझने के लिए। आगे जो है अगर देखा जाए उपयोगिता का ऊर्जा और कच्चा माल के अंतर्गत और भी विभक्त किए गए हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ऊर्जा को दो भागों में बांट दिया गया है, पुनर्भरण अयोग्य, पुनर्भरण के अयोग्य, दूसरा है पुनर्भरण के योग्य, यानी अयोग्य और योग्य, यानी जो अयोग्य नहीं है और योग्य जो हैं। आगे कच्चा माल को जो है ऊर्जा, वनस्पति, खाद्य पदार्थ, इसको तीन भागों में यहाँ बांट दिया गया है, कच्चे माल को खनिज, वनस्पति और खाद्य पदार्थ। तो ये संसाधनों का वर्गीकरण यहाँ पर जो है विस्तृत दिखाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जैविक संसाधन। देखिए जैविक संसाधन कई मायने में महत्वपूर्ण है। जैविक संसाधन, इन संसाधनों में जो है पर्यावरण के समस्त जीवित तत्व सम्मिलित होते हैं, यानी जैविक संसाधन में जो होते हैं जितने भी जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं वो सब के सब जीवित होते हैं। तो जैविक मतलब जीवित, तो इससे आपको जो है याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है कि जैविक संसाधन के अंतर्गत वो आते हैं जो जीवित होते हैं, जो अपना जीवन चला रहे होते हैं, चाहे वो वन हो, वन उत्पाद हो, फसलें हो, पंछी हो, वन जीव हो, मछलियाँ हो, अन्य समुद्री जीव जैसे संसाधन के उदाहरण है। तो जैविक संसाधन के अंतर्गत आप समझ गए होंगे कि जो जीवित होते हैं यानी उनमें जो है वृद्धि हो दिखेगी, वो ब्रीथिंग भी करेंगे, वो जो है अपने जैसे नए बच्चों जन्म भी देंगे, तो ऐसे ही उनमें होगा, ठीक है, मूवमेंट करेंगे, तो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा जैविक संसाधन के अंतर्गत। और ये संसाधन जो है नवीकरणीय है, यानी इसको एक बार उपयोग करने का दोबारा उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये स्वयं को ही पुनर्जीवित उत्पादित एवं पुनर्जीवित कर सकते हैं, इसलिए इसको जो है नवीकरणीय संसाधन के रूप में इसको विभक्त किया गया है। कहते हैं जैविक संसाधन के अंदर कोयला और खनिज तेल भी जैविक संसाधन है, परंतु ये नवीकरणीय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कोयला जो है बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं और खनिज के बनने में भी, खनिज तेल के बनने में भी लाखों करोड़ साल लग जाते हैं, इसलिए ये नवीकरणीय साधन नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। यानी आप समझ गए होंगे कि ये जो है अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, नवीकरणीय नहीं है। लेकिन अगर हम अगले पॉइंट की बात करें जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, अजैविक संसाधन। अजैविक तो आपको पता है कि जैविक का उल्टा है, यानी वहाँ पर जो है जीवित थे, यहाँ पर जो है निर्जीव होंगे, मृत होंगे, यानी इन संसाधनों में जो है पर्यावरण के समस्त निर्जीव पदार्थ सम्मिलित होते हैं, यानी इन संसाधनों में पर्यावरण के समस्त निर्जीव पदार्थ सम्मिलित होते हैं और इसमें भूमि, जल, वायु और खनिज तथा लोह तत्व, तंबा, सोना आदि अजैविक संसाधन इसमें आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इन संसाधनों में पर्यावरण के समस्त निर्जीव पदार्थ सम्मिलित है और भूमि, जलवायु और खनिज तथा लोहा, तांबा, सोना आदि जो है अजैविक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है और ये समाप्त होने योग्य है, यानी इसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग आप नहीं कर सकते हो। कहते हैं पूर्वी नवीकरण के योग्य नहीं है क्योंकि ये न तो नवीकृत हो सकते हैं और न ही पुनरुपादित हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात था। उसके पश्चात यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है ये बॉक्स। देखिए जो बॉक्स में बातें लिखी होती है उसको आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तरह का जो है कंक्लूजन होता है, सारांश होता है। तो आपको जितना अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो इस पॉइंटों को भी याद करोगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाएगा। कहते हैं प्राकृतिक संसाधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और ये प्राकृतिक के मुक्त उपहार होते हैं, यानी ये मुफ्त होते हैं, ये प्राकृतिक आपसे कुछ भी इसके लिए नहीं लेता और कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी
कहते अमीर हो चाहे गरीब हो, ये इसका जो है भरपूर उपयोग कर सकता है, जिसमें भूमि हो जाती है, जल, मृदा, हर एक व्यक्ति जो है इसका उपयोग कर सकता है, इसलिए ये जो है प्राकृतिक का मुफ्त उपहार है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है, कोई पदार्थ जो कि मनुष्य के लिए मूल्यवान या उपयोगी हैं संसाधन कहलाते हैं। कहते कोई पदार्थ जो मनुष्य के लिए मूल्यवान एवं उपयोगी है संसाधन कहलाता है। संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूप का निर्माण करते हैं, जो कि मानव के जीवन यापन एवं विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूप का निर्माण करते हैं, जो कि मानव के जीवन यापन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं संसाधन उत्पत्ति पुनर्नवीकरण व उपयोग के आधार पर वर्गित किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि संसाधन उत्पत्ति और पुनर्नवीकरण का उपयोग के आधार पर जो इसको वर्गीकरण कैसे किया गया और इसका क्या उपयोग है। तो आगे जो है हम इसके और भी डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक रिसोर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटिक रिसोर्स हियर, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। द फर्स्ट पॉइंट हियर फॉरेस्ट हियर ऑफ बायोटिक रिसोर्स हियर। द फॉरेस्ट, व्हेन वी यूज द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी, अवर मेन कंसर्न रिमाइंड विद द ज्योग्राफिकली आर एस्पेरियस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकली फिनोमोन। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सोशलिस्ट प्राइमरली मीन टू डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट सोशल क्लास इन अ सोसाइटी। फ्रॉम अ ज्योग्राफर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिया डिफरेंशिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल फिनोमोन सच एज अ फॉरेस्ट इन द प्रेजेंट केस एंड टू बी एग्जामिन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ डिफरेंशियल इन अ फर्स्ट एंड मोस्ट वाइटल टास्क ऑफ एनी ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ अर्थ एज अ फिनोमोन। इन इंडिया एट अ प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया कवर अबाउट 76.5 बिलियन इज अ हेक्टेयर ऑफ लैंड, विच इज अबाउट 23% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इट इज अ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट द 87% ऑफ अंडोमान एंड निकोबार आइसलैंड टू ओनली अबाउट 4% इन अ हरियाणा, मेकिंग टू अ रेंज डिफरेंस ऑफ 83%। अकॉर्डिंग टू अवर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, 33% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अनफॉर्चुनेटली इट इज बिलो द नॉर्म्स इज outlined in our forest policy. That is important, the forest policy. The vegetation found in India can be divided into 6 main types. They are tropical evergreen forest, tropical discussion forest, anthracene forest, and tidal forest and mountain forest. Here is an important part. The next year, wildlife. The wildlife is the most important here. India is a possesses a great variety of wildlife. The India possesses a great variety of wildlife. Out of a now world total of 1.05 million species of animal, about 75,000 species. The 7.46% are found in India. There is important here, 75,000 species, there is a 7.46% are found in India. India has over 1,200 species of bird. There is important point here, note down your copy, the UPSC exam is important question here. India has over 1,200 species of the bird, and among the mammals we have to be is a majestic as an elephant found in the forest of Assam, Kerala and Karnataka. The elephant is a major found here is the forest Assam, Kerala and Karnataka. Camel and wild us are confined to be arid area of the run of the Kutch in Gujarat. There is a camel and wild us is a found here run of Kutch in a Gujarat. Respectively, there is a India is a lion. Indian lion are found in the Gir forest of Gujarat. The Indian lion is found here, a Gir forest of Gujarat, and one horned to the red nose are found in the Sinapur, and the Marsi is a land of Assam and West Bengal. Among the most is a
हैंडसम इज एनिमल इंक्लूड फोर हॉर्न एटनोफोरोप्स इज कॉसर्गा इंडिया इज एप्टेलो इज बैक बक एंड गैजल द इंडिया हैज सर्वल स्पीसीज ऑफ मंकी एंड डियर प्रेजेंट इन अ फॉरेस्ट. The species of the deer include hangul, yellow Kashmir stag, snap is deer, spotted deer, a mouse deer and mouse deer. The animal belonging to be cat family are leopards. Is clouded is a leopards and snow is leopards. Is a several interesting animal are found in the Himalayan range such as the wild sheep and mountain goats and Ibex, Asher and the Tapo. That is important here. The birds, the life is equally is a rich and colorful in our country. That is important here. The birds life is equally rich and colorful in our country. The goddess is a peacock is the India as a national bird. The peacock is a India as a national bird in the forest and wetland is a Peasant is a geese, a dog, and my hen, and the parakeet, pigeon, cranes, and hornbill, and the sunbirds are found. There are song bird like is a nut angle and the bulbul. There is important word found in the India. The next year, livestock is here. India has about 3/5 or 57% of the world as a buffalo population and about 1/6 or 50% of the cattle population. Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Uttarakhand, Jharkhand, Maharashtra, Orissa, Karnataka and Rajasthan have over 2/3 of the cattle population of India. 1/4 of the total sheep of India is found in Rajasthan and more than half of the Indian as a goat are found in Bihar, Jharkhand, Rajasthan and West Bengal and Uttar Pradesh. There is a livestock is the most important point here. And also here the farm animals such as ox, buffalo, cow are friends of the farming community. In India, they are used in the various form of operations such as a plunging, sowing, threshing and transporting of farm product. However, with the farm is a mechanisms and especially in a green revolution area of northwestern India, the coastal Andhra and Tamil Nadu and other is a pockets, the importance of the draft energy for agricultural operation in is on the decline. The milk is provided by the cow and sheep buffaloes and sheep is provided as a bull, mutton and skin. Goat is supplied to milk, meat, hair, herons and skin. Chicken is a duck, geese and turkeys are referred to the eggs and feather. There is the most important here. The next here fisheries. The fisheries is also is important here. There is a large scope for the development of fisheries in a country because of large continentals safe of the 20 lakh square kilometer. Ability of sufficient fish food in the big lake and rivers. Oceanic is a quaint and skill to the fisherman. The marine fishing is done in a sea and the ocean and inland fishing is a carried of the lake, river and reservoirs. There is an important here and more than 1,800 distinct species of the fish are known to their exist in India. Four forms of the fisheries are found in the India such as a marine fisheries, freshwater or inland fisheries and estuarine fisheries are and the pearl fisheries. The marine fisheries cannot accounted for about 63% of the animal fish production. And major fish are sardines and mud corals and prawns is a cup poise and the silver wallaces. There's an important fish measure here. About 2/5 or 37% of the country as a total fish production come from to the inland fisheries. The major fish are cattle, roita, cable bacilla, marginal and the crabs, etc. The more than 9/10 of 97% of country as a total production of marine fish and more than 3/4 or 77% of the inland water fish is arised in Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu,
वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका एंड गुजरात. Notably, all are the coastal state here is important. The next point is in the box, there is the most important here. Note down your notebook. The forest area covered in India is about 23% of total geographical area, which is a much below the figure mentioned in the National Forest Policy to maintain ecological balance here. And next point here, according to the National Forest Policy, about 33% of total area of the country should be under forest in order to maintain an ecological balance. That is important here. And about 75,000 species of animal and over 1,200 species of the birds are found in India. That is the most important point. Nearly a 3/5 or 57% of world is a buffalo population and 50% of the cattle population is found in India. That is important here. And four forms of the fisheries are found in India, such as a marine, freshwater, estuarine, and the pearl fisheries is here. That is the most important point in the box. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, जैविक संसाधनों का वितरण. देखिए, हमने यहाँ पर दोनों पार्ट करेंगे, जैविक भी करेंगे अजैविक भी करेंगे. तो जैविक संसाधनों का वितरण यहाँ पर किस प्रकार है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा. जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि जैविक संसाधन वो होते हैं जो जीवित होते हैं. तो जीवित के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है वन. वन भी एक जीवित ही है, क्योंकि ये भी जो है ब्रेथ करता है, ग्रो करता है और अपने जैसा जो है पौधों को जो है बनाता है. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है. तो वन के अंतर्गत जो है कहते हैं भूगोल विषय में जब हम वितरण शब्द का प्रयोग करते हैं, तब इसका जो है मुख्य तात्पर्य जो है भौगोलिक परिघटनाओं घटनाओं और जो है भौगोलिक या स्थानीय वितरण से होता है. अन्यथा एक समाजशास्त्री के लिए वितरण का अर्थ मुख्यतः समाज की विभिन्न समाज श्रेणियों में वितरण से होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है. कहते हैं पृथ्वी की परिघटनाओं को जो है भौगोलिक अध्ययन करते समय एक जो है भूगोल वर्ता को दृष्टिकोण से प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य इन परिघटनाओं और इस संदर्भों में जो है वनों का वितरण से होता है कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझना तथा इस हेतु उत्तरदायी कारणों का जो है परीक्षण करना कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है. वर्तमान में भारत की जो है 75.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वनांचित है, जो कि कुल भौगोलिक जो है क्षेत्रफल का लगभग 23% है. वनों के वितरण में लगभग जो है 83% का अंतर पाया जाता है. देखिए, वनों के वितरण में लगभग 83% का अंतर पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अंडोवार व निकोबार द्वीप समूह में 87% है. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है. और वहीं जो है हरियाणा में केवल 4% ही है. तो आप समझ सकते हो कि भारत में जो है वनों का वितरण किस प्रकार है, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है. हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भूभाग को जो है वनांचित होना चाहिए. और देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि भाग को होना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह हमारी वन नीति में निर्धारित रेखांकित मानदंड से नीचे है. अब समझ सकते हो कि जो है पूरे विश्व जो है किस घटनाओं से अब आने वाले समय में गुजर सकता है, क्योंकि दुर्भाग्य हम यहाँ पर नहीं कहेंगे, लोगों की चापलूसी करेंगे और अमीरी बनने का एक संकेत कहेंगे, जिसके कारण से उन्होंने पेड़ पौधों को जो है इतने विनाश किया है जिसका कोई जो है हिसाब देना संभव ही नहीं है. और दूसरी बात ये भी कहा जा सकता है कि सरकार की जो है लापरवाही का भी यहाँ पर सबूत दिख रहा है. कहते हैं सरकार और चीज़ों में तो बहुत ही तेज़ी दिखाती है, लेकिन वन के संरक्षण में नहीं दिखाती है. तो इसका आने वाला समय में जो है हर एक व्यक्ति को इसके जो है परिणाम को भोगने के लिए तैयार रहना भी चाहिए. भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों के 6 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है. और ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पनपती वन हो सकते हैं, कटीली झाड़ियां हो सकती है, ज्वारीय वन हो सकता है और पर्वतीय वन भी हो सकते हैं. देखिए, इस सब के बारे में जो है मैंने टॉपिक पहले डिस्कस कर चुका हूँ. तो आपको जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को देखना है तो वो भी देख सकते हो, उष्णकटिबंधीय पनपती वन देखना है तो वो भी देख सकते हो, कटीली झाड़ियाँ देख सकते हो, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन. तो ये सारे के सारे वीडियो जो है पहले ही आपके लिए उपलब्ध है. तो आप थोड़ा सा कोशिश करके इनको जो है प्राप्त कर सकते हो और इसको अच्छे समझ भी सकते हो.
उसके पश्चात हमारे समक्ष है वन जीवन। देखिए वन जीवन भी जैविक के अंतर्गत आता है। कहते भारत में वन जीवों की जो है बहुसंख्यक प्रजाति पाई जाती है। कहते ज्ञात विश्व में जो है जानवरों की पाई जाने वाली कुल जो है 1.05 मिलियन प्रजातियों में से लगभग 75,000 यानी 7.46% भारत में ही पाई जाती है। तो कहा जाए 7% जो है यानी 7.46% भारत में जो है प्रजातियां पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। कहते हैं भारत में जो है पंछियों की 1,200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जो कि हमारे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। असर पाई जीवों में हमारे पास जो विशाल काय हाथी है, जो कि असम, केरल और कर्नाटक के वनों में बेखूबी पाई जाती है, और जो है ऊँट शुष्क क्षेत्रों में एवं जंगली गधे गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। गुजरात के जो है गिर वनों में जो है भारतीय सिंह भी मिलते हैं, और एक सिंह वाला गेंडा जो है असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में भी पाया जाता है, और भारत में बंदरों एवं हिरणों की कई प्रजातियां भी देखने को मिलता है। यहां पाए जाने वाले कुछ सबसे सुंदर जानवरों में जो है चैसिंगा, कृष्ण मुर्ग और जो चिकारा शामिल हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिरण की प्रजातियों में जो है हैगुल्स यानी कश्मीरी मुर्ग, असमापा हिरण जो है चीतल, कस्तूरी मुर्ग और जो है पिसूरी सम्मिलित है। बिल्ली परिवार के अंतर्गत आने वाले जानवरों में तेंदुआ, क्लाउडेट्स तेंदुआ एवं हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिमालय श्रेणी में कई दिलचस्प जानवर जैसे कि जंगली भेड़, पहाड़ी बकरी, साकिन, चुछुंदर और तापिर पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपने स्थान यहाँ पर रखते हैं। हमारे देश में जो पंछियों का जीवन भी सामान्य रूप से समृद्ध एवं रंगीन है। कहते हैं शानदार मोर भारत के राष्ट्रीय पक्षी है, और वनों एवं नम भूमियों में जो है फोटोजेट और गीज, बत्तख, मैना, तोते, कबूतर, केन, सारस, धनेश और सनबर्ड पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयल और बुलबुल जैसे गाने वाले पंछी भी मिलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है देखिए पशुधन। देखिए पशुधन भी जैविक लक्षणों के अंतर्गत आता है। कहते हैं विश्व के लगभग जो है 57% जो है भैंसों एवं लगभग 15% गाय बैल भारत में पाए जाते हैं, और भारत के 2/3 से ज़्यादा मवेशी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में पाए जाते हैं, यानी 2/3 से ज़्यादा इन क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत कुल जो है भेड़ों का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा राजस्थान में है, यानी भारत के कुल भेड़ों का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा जो है राजस्थान में पाया जाता है, जबकि भारत की आधे से अधिक ज़्यादा बकरियाँ बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले पशु जैसे कि बैल, भैंस, गाय आदि भारत में कृषक समुदाय के मित्र हैं। देखिए ये बात यहाँ पर जो है थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि आज जो है बैल का उपयोग नहीं हो रहा है, न भैंसों का जो है उपयोग किया जा रहा है कृषियों में, क्योंकि आजकल तो ये लोग जितने भी जानवर हैं आजकल सड़कों पर ही नज़र आते हैं। कहते हैं आज बैल का वो कदर नहीं रह गया जो पुराने समय में हुआ करता था। कहते हैं बैल का तो अस्तित्व ही आज मिटने के कगार पे आ गया है। आज यहाँ पर थ्रेसर ट्रैक्टर ने ले लिया है तो बैल का अस्तित्व भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। पुराने समय में बैल का इतना कीमत था, इतना समझ थी, इतनी ज़रूरत थी, लेकिन आज जो है बैल जो है हमेशा आपको रोड पर ही नज़र दिखेंगे। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर परिस्थिति बन गई है इन जानवरों के लिए भी। कहते हैं विभिन्न कृषि कार्य में जुताई, बुनाई, गहराई आदि कृषि उत्पादन के परिणाम में प्रयुक्त किए जाते थे। पहले के समय में इनका बहुत ही उपयोग हुआ करता था। कहते हैं ये बहुत महंगे भी होते थे और इनका बहुत ही उपयोगिता भी थी, चाहे जुताई हो, बुआई हो, गहराई हो, कृषि उत्पादों में जो है इनका बहुत ही उपयोग किया जाता था। इसके बाद भी कृषि में मशीनीकरण के साथ विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत में तटीय आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में कृषि कार्य में पशु शक्ति का महत्व कम हो रहा है। और कम हो रहा है क्या, कम हो चुका है। आज पशु का कोई महत्व नहीं रह गया इन क्षेत्रों में। गाय व भैंस द्वारा दूध और भेड़ के ऊन, मांस एवं चमड़ी प्राप्त होती है। देखिए गाय और भैंस का इसलिए आज के समय में अस्तित्व है क्योंकि इससे जो है दूध प्राप्त होती है।
इसलिए आज के समय में इसका थोड़ा महत्व है। कहते हैं भेड़ से जो है ऊन प्राप्त की जाती है, मांस व चमड़ी की प्राप्ति भी होती है, बकरियों से दूध मांस बाल एवं चमड़ी भी मिलता है, अंडे व पंखों के लिए जो है चूजे बतखों गीस एवं टाकी पाली जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मस्की। देखिए ये फिशरीज होती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल महाद्वीपीय आकार वाले झीलों व नदियों में मछलियों के भोजन की पर्याप्त उपलब्धता है। और कहते हैं आधे जनसंख्या को जो है मछली के द्वारा ही पोषित किया जाता है। सागरी धाराओं और कुशल मछुआरों के कारण देश में जो है मछली के विकास को प्रचुर अवसर मिले हैं। यहाँ सागरों और महासागरों के सागरी मत्स्य का झीलों और नदियों एवं जलाशयों में अंतस्थाई जो है मत्स्य का पालन जो है काफ़ी प्रोत्साहित भी हुआ है। तो काफ़ी ज़रूरी बात है, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखा जाए तो भारत में विभिन्न प्रकार की मछलियों की जो है 1800 से भी अधिक ज़्यादा प्रजातियां विद्यमान है। तो भारत में काफ़ी प्रजातियां जो है मछली के देखने को मिल जाता है। भारत में चार प्रकार की जो है मत्स्य, जैसे सागरीय मछली, स्वच्छ जल या अंतस्थलीय मछली, एस्चुरी मछली एवं पेरस मत्स्य पाए जाती है। भारत में मत्स्य उत्पादन में जो है सागरीय मछलियों का हिस्सा लगभग 63% है। यानी देखा जाए तो सागरीय क्षेत्र में जो है मछलियों की प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी 63% है। यहाँ की प्रमुख मछलियाँ जो है सर गाइडंस, मेरकरस, ग्रैंड एक्लो, आइसिस एंड सिल्वर बेजिल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये नाम जो है अंग्रेज के नाम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, यानी ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। किंतु अगर हम आगे देखें तो हमारे पास आता ये है कि जैसे कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 37% भाग जो है अंतस्थलीय मत्स्य से आता है। यानी प्रमुख इसमें मछलियाँ जो होती हैं जो भारत में अधिकतर बिकती हुए कतला, रोहू, रोहिता, काला वासील, मुगल और कार्प, ये सारे के सारे जो है भारत में बड़ी ही जो है विशेषताओं के साथ मिलते हैं और इसका जो है लोग सेवन भी करते हैं। देश से सागरीय मछलियों के कुल उत्पाद का 97% ज़्यादा भाग जो है अंतस्थलीय मछलियों का, 70% ज़्यादा हिस्सा केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात से आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है समुद्र और नदी के किनारे हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जो है मछलियों की भरमार रहती है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि ये सभी तटीय राज्य हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये सारे के सारे राज्य समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में जो है मछलियों की भरमार बनी रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है बॉक्स। देखिए इस बॉक्स के जितने भी बातें लिखी गई है वो सारांश के रूप में होती है, समरी के रूप में होती है, तो इसको आपको नोट डाउन अपने कॉपी में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर नोट कर लेते हो तो कई मानने में आप सारे क्वेश्चन को जो है भली भांति अटैम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाती हो। कहते भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग जो है वनांचित है, जो कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय वन नीति के दिए गए आंकड़ों से काफ़ी कम है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो आंकड़े दिए गए हैं बहुत ही कम है हमारे देश के लिए, 23%, जो बहुत दुखदायक परिस्थिति है और आने वाले समय में इसका परिणाम भी जो है इंसानों को भोगना पड़ सकता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग वनों के अंतर्गत होना चाहिए। अब देखिए 33% की मांग कर की जा रही है लेकिन 23% है, तो कहते हैं काफ़ी कम हो चुका है। और कहते 33 क्यों, भारत में 50% जो है होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है और ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है जिससे जो है सरकार को निपटना चाहिए और हर एक व्यक्तियों को जो है इस पर महत्वपूर्ण योगदान भी देने की आवश्यकता है। भारत में पशुओं की लगभग जो है 75,000 प्रजाति और पक्षियों के 1,200 से भी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। विश्व की कुल भैंसों का जो है 57% मवेशियों की कुल संख्या का जो है 15% हिस्सा भारत में ही पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में मत्स्य के चार प्रकार जैसे कि सागरीय, स्वच्छ जल, कहते एमचुरी और पेरस मत्स्य के पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबायोटिक रिसोर्स। देयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबायोटिक रिसोर्स हियर। अ लैंड रिसोर्स, फर्स्ट पॉइंट हियर, अ लैंड रिसोर्स, लैंड रिसोर्स इज अ अबायोटिक रिसोर्स हियर। इंडिया इज कवर ऑन एरिया ऑफ 32,87,263 square kilometers. There is the most important for UBC examination here. 32,87,263 square kilometers India cover the area here.
अकॉर्डिंग टू द एरिया साइज इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द रसिया कनाडा चेन्नई यूएसए ब्राज़ील एंड इजिप्ट यू नो दैट देर इज इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर द सिक्स कंट्री हियर रशिया कनाडा चाइना यूएसए ब्राज़ील एंड इजिप्ट देर इज कम टू द नंबर ऑफ सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन अ सेवेंथ पॉइंट ऑफ इंडिया हियर The basin size itself is the most important resource. About 30% of area is covered by the mountains, which are the source of sensations of beauty, perennial rivers, home and forest, and wildlife here. About 43% of land area is a plain, which is highly suitable for agriculture, remaining about 27%. Under the plateaus is the storehouse of mineral and metal here. The next year, water resource. There is an important point here, water resource here. India is fortunate to have a large water resource here. And diversity in resources is a result of diversity in a land from in form of glacier. The surface river and underground water, rain and oceans. The average annual rainfall in estimate at 170 centimeter. The important point here, the annual rainfall on the resource and water is 170 centimeter only. The rivers are major source of surface water in India. The Indo and the Ganga, the Brahmaputra carry about 60% of the total surface water. Replacement-able groundwater potential in India is about 434 billion cubic meters. There is an important area of 434 billion square meters. Today, over 70% of the population use groundwater for its domestic needs, and more than half of the irrigation is obtained from this source. There is an important point here. The next year, mineral resource. Mineral resource here, India is a very rich in a mineral resource and has a potential to become an industrial power. It possesses a large source of iron ore, is extensive a deposit of coal. The mineral oil rich deposit of bauxite and mica. The Jharkhand, Orisha and Chhattisgarh possess a large concentration of mineral deposit here and accounting for their nearly 3/4 of country as a coal deposit. Other important minerals found in our country are iron, ore, manganese, mica and bauxite and radioactive minerals here. The next point is the most important in the box here. The India is the seventh largest area size country of the world. There is the most important point here. Note down your notebook. The average annual rainfall is estimated at 170 centimeter. The Indus, the Ganga and Brahmaputra river system carry of 60% of the total surface water available in a country. And the next point is Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha possess a large reserve of iron ore and bauxite and mica. There is an important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट अजैविक संसाधन का वितरण. देखिए अजैविक संसाधन जिसका वितरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ज़रूरी भी है. कहते अजैविक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है. अगर देखा जाए भारत में तो हम जानते हैं, अगर भूमि के संसाधन के रूप में देखें अजैविक रूप में, तो सबसे पहले भूमि की वितरण हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. देखा जाए तो भूमि संसाधन में जो है भारत जो है इसके क्षेत्रफल जो लिए हुए हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है. यानी भारत की अगर देखा जाए तो ये जो है बिल्कुल ही इसका जो है क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है. और कहते हैं क्षेत्र एक आकार के आधार पर यह रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और मिस्र के बाद यह विश्व का सातवां सबसे बड़ा राष्ट्र है. कहते हैं इससे जो आगे है वो छह देश है, चाहे वो रूस हो, कनाडा हो, चीन हो, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और मिस्र है. कहते हैं भारत का जो नंबर है सातवां सबसे बड़ा देश के रूप में देखा जा सकता है, सातवें नंबर पर. और यह बेहद आकार स्वयं एक बहुत ही बड़ा संसाधन है. तो आप समझ सकते हो कि इसका संसाधन जो है काफ़ी विस्तृत है. कहते हैं लगभग 30% क्षेत्र जो है पर्वत से ढका हुआ है.
आपको पता ही होगा कि भारत जो है कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये 30% क्षेत्र जो है पर्वतों से ढका हुआ है। अब देखिए 30% जो है उत्तरी क्षेत्र में जो है पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। अगर नीचे के साइड चले जाएं तो कहते हैं ये सारे के सारे जो है समुद्र क्षेत्र से घिरे हुए हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो कि दृश्य सौंदर्य और सदा निरा नदियों वनों एवं वन जीवों के स्रोत्र होते हैं और भारत में हर तरह के जो है वन्य जीवन जो है पाए जाते हैं और इसका सौंदर्य देखने योग्य है। कहते हैं भूमि का लगभग जो है 43% क्षेत्र जो है मैदान होने के कारण जो है कृषि के लिए स्वच्छ उपयुक्त है और शेष कहते हैं 27% क्षेत्र जो है पठारों के अंतर्गत आता है जो कि खनिज और धातुओं के भंडार यहाँ पर भरा हुआ है। तो देखा जाए भूमि संसाधन के अंतर्गत जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत का स्थान। और भारत जो मैं बता दूँ जो कि यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चला जाता है, कभी कभी जो है क्षेत्रफल के विस्तृति के आधार पर भी आपको पूछा जा सकता है कि भारत का आकार कितना है, तो 32,87,263 है। और ये आपको याद होना चाहिए कि भारत का जो है 7वां विश्व का बड़ा देश है, उससे पहले 6 देश जो है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और मिस। तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि ये सारे देशों को जो है उनके आकार के अनुसार जो है इसको व्यवस्थित कीजिए, तो ऐसे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही आता है कि 30% भाग जो है पर्वत क्षेत्र से ढके हुए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखा जाए तो 27% भाग जो है पठारी क्षेत्र है, तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और देखा जाए अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो 63% मैदान जो है मैदानी क्षेत्र जो सर्वथा उपयुक्त है कृषि के लिए। उसके पश्चात है जल संसाधन। देखिए जल ही जीवन है, ये तो आप समझ गए होंगे भली भांति कि जल के बिना जो है कोई भी देश जो है प्रगति नहीं कर सकता है। और भारत में देखा जाए तो जल की जो है भिन्नताएँ हैं, लेकिन फिर भी जल जो है यहाँ पर जैसे लोग गंदगी फैला रहे हैं शायद आने वाला समय में भारत में भी जल के लिए किल्लत हो जाएगी। तो जल भी एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। तो जल की संसाधन अगर हम देखें भारत में तो कहते हैं भारत जो है भाग्यशाली है कि उसके पास विशाल जल संसाधन है। तो ये जल संसाधन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं संसाधनों में विविधता, हिमानियों, धरातलीय नदी एवं भूमिगत जल, वर्षा एवं महासागरों के रूप में भी भू आकृति में विविधता का परिणाम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि संसाधनों में विविधता जो है हिमानियों, धरातलीय नदी एवं भूमिगत जल, वर्षा एवं महासागरों के भू आकारों में विविधता का एक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। अनुमानित औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर देखा गया है 117 सेंटीमीटर, ये औसतम है। औसतम का मतलब समझ सकते हो कि पूरे भारत में जो वर्षा होती है उसके अनुसार जो है ये औसतम है और औसतम का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो है 117 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा यहाँ पर दर्ज किया गया है। भारत में नदी धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत है। देखिए भारत में अगर जल का स्रोत के रूप में देखें तो नदियाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। कहते हैं सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र कुल जो है धरातलीय जल का लगभग 60% बहन करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आ जाता है एग्जाम व्यू से कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र कुल धरातलीय जल का लगभग जो है 60% बहन करती है, यानी 60% इसके अंतर्गत आती है। भारत के जो है पुनः भरण योग्य भू जल क्षमता कहते हैं 434 अरब घन मीटर है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भारत की जो है पुण्य भरण योग्य भू जल क्षमता जो है 434 अरब घन मीटर है। और आज जो है 70% से भी ज़्यादा जनसंख्या अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भू जल का उपयोग करती है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 70% से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भू जल यानी ग्राउंड वाटर का यहाँ पर उपयोग करते हैं। और आधे से भी ज़्यादा सिंचाई इस क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, यानी देखा जाए तो भूमिगत जल से ही जो है सिंचाई किया जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए जल संसाधन के रूप में जो है भारत के लिए एक वरदान है, लेकिन जैसे इस वरदान को लोगों ने नष्ट कर दिया है शायद ये वरदान उनके लिए अभिशाप का सबब बन सकता है। तो यही कहते हैं कि जो जल संसाधन हमारे पास है उनको हमें दूषित नहीं करना चाहिए, उनको हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अगली संसाधन जो है खनिज संसाधन। देखिए खनिज संसाधन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत में खनिजों की विविधता पाई ही जाती है।
कहते हैं भारत खनिज संसाधनों में बहुत धनी है, यानी भारत देखा जाए तो खनिज संसाधन में भी बहुत धनी है और इसमें एक औद्योगिक शक्ति बनने की क्षमता है, यानी भारत जो है एक औद्योगिक क्षमता भी रखता है एक औद्योगिक देश बनने में। यहाँ जो है लौह अयस्क के आश्रित जो है क्षेत्र कोयला, खनिज तेल, बक्साइट एवं अभ्रक के व्यापक निक्षेपण पाए जाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि भारत जो है खनिजों में बहुत ही धनी है और यहाँ पर जो है कहते हैं औद्योगिक शक्ति की क्षमता भी रखता है और भारत जो है सभी देशों को टक्कर देने के लिए भी खनिजों में आगे रह सकता है क्योंकि यहाँ पर खनिजों की भंडार अपर्याप्त रूप में है, यानी बहुत अधिक मात्रा में है जिसको अभी हमें पहचान भी नहीं हुआ है। कहते हैं यहाँ लौह अयस्क के आरक्षित क्षेत्र भी और कोयला, खनिज तेल, बक्साइट, अभ्रक और व्यापक निक्षेपण पाए जाते हैं। तो कहते हैं मेन जो खनिज यहाँ पर है लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल और बक्साइट और अभ्रक प्रचुर मात्रा में यहाँ पर भूपट्टी पे पाई जाती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए इन खनिज संसाधन का मुख्य क्षेत्र जो है मुख्य तौर पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में खनिज निक्षेपण के विद्युत केंद्र है। देश कुल कोयला निक्षेपण का जो है एक चौथाई, यानी देखा जाए तो कहते हैं देश कुल कोयला निक्षेपण का 3/4 भाग यहाँ पर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देश कुल कोयला निक्षेपण का जो है 3/4 भाग भारत में ही है, यानी 3/4 जब भारत में होगा तो इसका अर्थ आप समझ सकते हो। और देखा जाए तो मुख्य क्षेत्र जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जो है खनिज निक्षेपण बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। कहते हैं भारत में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज अगर देखा जाए तो लौह अयस्क है, मैग्नीज है, अभ्रक है, बक्साइड है और रेडियोधर्मी खनिज। देखिए रेडियोधर्मी खनिज का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक, बक्साइड और रेडियोधर्मी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान यहाँ पर रखते हैं। यदि हम एक बॉक्स देखें तो इस बॉक्स में जो है सारी बातों का सारांश के रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और आपको इसको जो है अपने कॉपी पे भी नोट डाउन कर लेना चाहिए क्योंकि ये कई महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो ये सारांश ही है, यानी समरी टाइप ही है और कह सकते हो ये निष्कर्षण ही है पूरे टॉपिक का। तो देखा जाए तो यहाँ पर पहला बात तो यही आती है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है, ठीक है। कहते हैं औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर देखा जाए तो 117 सेंटीमीटर आकी गई है और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तंत्र भारत में कुल उपलब्ध जो है भू जल का 60% भाग बहन करती है। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का अगर जल प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो कहते हैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भू जल के अंतर्गत जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है भारत में भू जल जो है 60% भाग जो है इसी में आश्रित है। देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में लौह अयस्क, बक्साइट और अभ्रक के विशाल निक्षेपण है। कहते हैं अभ्रक जो होता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो भारत में छत्तीसगढ़ जो है, झारखंड और जो है उड़ीसा में लौह अयस्क और बक्साइट और अभ्रक के विशाल भंडार है। तो आने वाला समय में भारत जो है हर एक देश से पावरफुल बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है ये संसाधन। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेयर, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देर इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट हेयर, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हेयर। टू सेटिफाई देयर नीड्स ह्यूमंस हैज बीन टू यूजिंग रिसोर्स फॉर अ टाइम in market. This process is called to the resource utilization. You know that what is a resource utilization here? A human has been used to resource for a time in market and this process is called to the resource utilization here. The human skull is a technical as a know-how and how to work convert to the natural stuff into the commodity or serves to be a serve of materials and a spiritual needs of the human society. Thus, the resources are created by man, but he need to help of culture to convert the natural stuff into the valuable resource. Culture include all our equipment and machines, a means of transport and communication, as well as efficient of management and group corporations and is a recreations. Intellectual is a work, education, training and improve health and sanitation. Without a culture, man has only a limited capacity to work and produce.
यू नो दैट देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर. इन द मॉडर्न एज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीजिंग द ह्यूमन कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू यूज अ रिसोर्स इन ए एफिशिएंट मैनर फॉर अ प्रोडक्शन पर्पस. फॉर एग्जाम्पल United States of America and West European country have a high development economics. You know that there is the most important point here. Example here, United States of America and West European countries have a high development economics. For efficient use of their natural wealth with the advanced technologies. On the other hand, several countries in Africa, Asia and Latin America are lagging far behind in the development level in spite of abundant natural resource there. हमारा जो अगला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, संसाधनों का उपयोग. देखिए संसाधनों का उपयोग जो है बहुत विवेकतापूर्ण करना चाहिए, क्योंकि ये संसाधन जो है एक संसाधन के रूप में है. और कहते हैं संसाधन जो होते हैं किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण होते हैं. जिस देश में संसाधन की भंडार है वो देश जो है पावरफुल है. तो संसाधन का उपयोग जो है विवेकपूर्ण करना चाहिए, इसी बात को यहाँ पर जो है उजागर करने की कोशिश किया जाएगा कि संसाधनों का उपयोग कैसे करें. कहते हैं सबसे पहले तो ये है कि संसाधन उपयोग होता क्या है. कहते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव आरंभ से ही संसाधनों का उपयोग करता रहा है, और यह प्रक्रिया संसाधन उपयोग कहलाती है. अगर आप देखोगे तो जब जो आदि मानव के समय था तो उन्होंने भी संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया, और इंसान आज के समय तो बहुत ही टेक्नोलॉजी फुल हो गया है. तो यहाँ पर संसाधनों की जो है भरमार उपयोग किया जा रहा है, और भरमार जो है उपयोग करने में अग्रसर है. तो संसाधन उपयोग जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पर. और इस प्रकार जो है संसाधन मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं. संसाधन जो होते हैं मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने संसाधन स्वयं ही ढूंढते हैं. आपने देखा, आप सोच रहे हो कि संसाधन क्या होती है और क्या हो सकता है. आपके घर में जो है इतने संसाधन दिख रहे होंगे. पहले के समय में अगर आप अपने दादा दादी से पूछिएगा तो बताएंगे कि जब गर्मी होती थी ना तो वो जो होते थे पंखे से किया करते थे, अपने हाथों से पंखा किया करते थे. लेकिन आज के समय में अगर यही संसाधन है जिसको एक बटन दबाते ही आपको जो है पूरे कूल हो जाता है आपके वातावरण, तो ये सब संसाधन है जो इंसानों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाया. पहले के लोग जो होते थे धरती पे सोया करते थे, लेकिन आज जो है इतने बड़े बड़े बेड पे सोते हैं, अच्छे अच्छे बेड पे सोते हैं, गद्दियों पे सोते हैं. तो ये सब संसाधन है, इंसानों ने अपने लिए संसाधन बनाया है, और ये संसाधन का उपयोग जो है हमें विवेकतापूर्ण करना चाहिए. अब सोचिएगा कि इन संसाधनों का उपयोग विवेकतापूर्ण करने का क्या अर्थ है यहाँ पर. दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. आप जिस बेड पे सोते होगे वो बेड जो है लकड़ियों से बनती है, और लकड़ी से जब बनेगी तो इसके लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, और पेड़ पौधे कटेंगे तो आपको पता है जो नेचुरल संसाधन है वो ख़त्म हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा. अब सोचिएगा कि फैन चलाने में कौन सा संसाधन का जो है लॉस्ट होती है, तो आपको पता है कि संसाधन जो है सारे जो है लो मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो लो मटेरियल संसाधन भी तो ख़त्म होंगे. तो यही बात है कि कोई चीज़ जो है विवेकपूर्ण हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यही बात को यहाँ पर दर्शाया गया है. कहते हैं इस प्रकार संसाधन मनुष्य द्वारा निर्मित किए ही जाते हैं, किंतु इसे इन निष्कर्षण उत्पादों के मूल्यवान संसाधन में परिवर्तन करने के लिए संस्कृति की सहायता की आवश्यकता होती है. देखा जाए तो ये संसाधन जो होते हैं संस्कृति में समस्त उपकरण एवं मशीन परिवहन एवं संचार के साधन के साथ ही जो है प्रभावी प्रबंधन होते हैं, जिसमें सामूहिक सहयोग, मनोरंजन, वैदिक कार्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, उन्नत स्वास्थ्य एवं शिक्षाएँ शामिल होती है. देखिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है. अगर आप इन संसाधनों को जो है विवेकपूर्ण इस्तेमाल कीजिएगा तो आने वाला भविष्य में भी इसका उपयोग देखा जा सकता है. लेकिन जिन चीज़ों का उपयोग अगर विवेकतापूर्ण नहीं किया जाएगा वो नष्ट हो जाएगा. जैसे आपको पता है कोयला पेट्रोल जो है आने वाला कुछ सालों में जो है विनाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी मिलेगा ही नहीं. तो यही बात बताया जा रहा है, जो संसाधन है उसको हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये संसाधन ऐसे संसाधन है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसको बनाया नहीं जा सकता. तो ऐसे संसाधनों को हमें विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए, और भविष्य के लिए भी संरक्षित करने की आवश्यकता है. कहते संस्कृति के बिना मनुष्य कार्य एवं उत्पादन की क्षमता सीमित हो जाती है, क्योंकि संस्कृति ही महत्वपूर्ण यहाँ पर
पहलू बनती है। कहते आधुनिक युग में विज्ञान एवं तकनीक के उपयोग ने उत्पादन हेतु संसाधनों के जो है प्रभावी उपयोग के मनुष्य की क्षमता एवं योग्यता बढ़ा दी है। आपको पता ही होगा कि इसका अर्थ यही हुआ कि पहले समय में मान लीजिए कोई घर बनाने में बड़े ही मजदूर की आवश्यकता हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में मशीन ने इतना आसान कर दिया है उनकी जीवन शैली कि चंद सेकेंड में जो है बहुत कुछ हो जाता है मशीनों के द्वारा। कहते हैं गड्ढा खोदने में भी 10 मजदूर को लगाना पड़ता था, लेकिन आज जो है बड़े बड़े जो है जैसे भी 2 ही सेकेंड में जो है बड़े से बड़े गड्ढे को जो है कर देती है। तो ये आज की जो है योग्यताओं के अनुसार ये बढ़ गई है, मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप देशों के पास उन्नत तकनीक द्वारा जो है प्राकृतिक संपदा के प्रभावी उपयोग के लिए उच्च विकसित अर्थव्यवस्था है। तो आपको पता ही है कि अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश हो गए, उनके जो है उच्च विकसित अर्थव्यवस्था है, तभी तो वो जो है शक्तिशाली देश के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी ओर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के हेतु ही विकास के संदर्भ में काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि ये देश जो है आधुनिक तकनीक के मामले में भी काफ़ी पीछे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन इंडिया। देयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन इंडिया हियर। The natural resources have played a significant role in a socio-economical development of our country. You know that there is an important point here. The natural resources have played a significant role in the socio-economical development of our country. India is the second largest agriculture gained in the world today. It is because India has a varied climatic condition and on endless as a growing season to be grow different crops. India has a large mineral belt has enabled India to be industrially developed. There is important here that India has a large minerals belt has involved India to be industrial developed here. In a recent decades, in our desire not only to feed the fastly growing of population but also to be accelerate economical well began to the vast Indian population. Exploitations of resource has increased phenomenal, and this has led to environmental and ecological imbalance as a resource were used on unsustainable basis. Production of the resource has been motivated by the maximization of the output and profit or maximization rather than to the optimization of net social benefit. The prescience of resource of land is under the threat of degradation because of soil erosion and deforestation and overgrazing and careless management of forest. There is a most important point here. The precious source of land is under the threat of degradation because of soil erosion, deforestation and overgrazing and careless management of forest. Unscientific farming is a practice is like a zooming in northern East India, and exclusive use of chemical fertilizer and pesticide is coupled with the over is aggression and result in the loss of soil nutrition and water longing and sedentary here. Under pressure from a rapidly population growth, the available sources of water are began is exploited and depleted at a fast rate. Due to the lack of technology, only 37% of total animal flow of Indian rivers and equal appropriation of the available groundwater resource is available for use. There is a most important point here. After independence, the fisheries industries, particularly the marine sector, has witnessed a massive transformation from a traditional and subsistence types enterprise to be market and driver of multi-course of industries. Currently, India export nearly 55 categories of marine product to the South Asia
एन यूरोपियन कंट्री एंड यूएसए ऑल्सो देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट हेयर अ बॉक्स टू अ टू पॉइंट हेयर और नोट डाउन योर नोट बुक टू सर्टिफाई सर्टिफाई देयर इज अ मटेरियल स्पिरिचुअल नीड ऑफ ह्यूमन हैव एज बीन टू यूजिंग देयर इज रिसोर्स फॉर द टाइम एम्ब्रियल एंड दिस इज अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड द नेक्स्ट पॉइंट हेयर Because resource of land is under the threat of degradation because of soil erosion and deforestation and overgrazing. There is a most important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट भारत में संसाधन उपयोग की सीमा. देखिए कहते हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ सीमाएं होती है जिसको मानना चाहिए और इन सीमाओं से अगर हम परे जाते हैं तो वो चीज़ जो है तहस नहस हो जाती है. तो कुछ बात इसी को ही जो है यहाँ पर उजागर करता है और बहुत ज़रूरी बात है कि भारत में संसाधन उपयोग की क्या सीमा है, क्योंकि भारत में संसाधन उपयोग की कुछ सीमाएं भी होती है. कहते हैं प्राकृतिक संसाधन ने हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में आर्थिक भूमिका अदा की है. यानी देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन ने हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सार्थक भूमिका अदा की है. भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है कृषक देश है, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और गौरव की बात है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि देश है. लेकिन गौरव की और भी तब होगी जब भारत जो है कृषि बड़ा जो है पहला देश बनेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि विभिन्न फसलों को उगाने के लिए यहाँ विविध जलवायु दशाएँ और अंतहीन मौसम पाया जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. तो देखा जाए तो भारत पहले स्थान पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है हर तरह की दशाएं जो है मौसमी पाया जाता है जो कि कृषि के लिए एक आदर्श समय माना जाता है. भारत की विशाल खनिज संपदा ने इसे औद्योगिक रूप से विकसित होने में सामर्थ्य बना दिया है. यानी भारत की जो है खनिज संपदा ने औद्योगिक रूप से भी भारत को जो है सामर्थ्य बना दिया है और भारत अब किसी दूसरे देश पे आश्रित नहीं रहता है. तभी तो यहाँ पर जो है सेल्फ प्रोटेक्शन हो गई है. यानी भारत जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर है. हाल के दशकों में न केवल तेजी से बढ़ती जनसंख्या को भोजन देने बल्कि विशाल भारतीय जनसंख्या के आर्थिक कल्याण के प्रति जो है गति प्रदान करने की इच्छा ने संसाधनों के उपयोग के जो है चमत्कारी रूप से बढ़ा दिया है. कहते हैं संसाधनों के आधारणीय उपयोग के कारण इसने जो है पर्यावरणीय एवं परिस्थितिकी असंतुलन को काफ़ी बढ़ा दिया है. तो ये बहुत काफ़ी दुखदायक परिस्थिति है कि संसाधनों के अवधारणीय उपयोग के कारण इसने जो है पर्यावरणीय और जो है परिस्थितिकी असंतुलन को पैदा किया है. तो देखिए काफ़ी कहते हैं दुखदायक परिस्थिति जो है मनुष्य ने स्वयं ही बना दिया है. परिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलित होती जा रही है जिसके वजह से मानव को जो है बहुत से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. संसाधनों का उपयोग कुल सामाजिक लाभों को अधिक करने के स्थान पर उत्पादन एवं लाभों को अधिकतम करने की प्रेरणा से किया गया है. क्योंकि लोग जो है अधिकतम जो है लाभों के कारण इनको जो है अपनी इच्छाओं के रिगार्डिंग बहुत से जो है नुकसान जो है प्रकृति को पहुंचा रहे हैं. कहते हैं मृदा अपरदन वन विनाशन अति चराय तथा वनों के जो है असावधानीपूर्ण प्रबंधन कार्य जो है मुद्रा जो है मृदा जैसी यानी मिट्टी जैसे मूल्यवान संसाधन का हर्ष हो रहा है. तो ये तो जनरल सी बात है, ये तो आम सी बात है कि जो है मिट्टी का अपरदन वन नाशन अति चराई यानी कृषि पे जो है चराई करने से भी जो है वनों का बहुत ही जो है नुकसान पहुंचता है और इससे जो है वन हर्ष हो जाती है. कहते हैं अवैज्ञानिक कृषि क्रियाएं जैसे उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के अधिक उपयोग के साथ अति सिंचाई के परिणाम स्वरूप जो है मिट्टी के पोषक तत्व में काफ़ी कमी आ गई है और जल भराव एवं लवणता की समस्या उत्पन्न हुई है. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि उत्तर पूर्वी भारत में जो है झूम कृषि की जाती है. झूम कृषि का अर्थ तो आप जानते ही होंगे कि एक क्षेत्र में जो है कुछ समय तक हम कृषि करते हैं और उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं. अब सोचिएगा कि एक क्षेत्र में कृषि करने के बाद छोड़ देने की से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. दोस्तों कृषि जिस भूमि पर की जा रही थी उस कृषि पर पहले बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और कृषि करने के लिए क्या किया, बड़े बड़े पेड़ पौधों को काट दिया गया और उसमें जो है कृषि की गई और कृषि में जब उपजाऊ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई तो उसको छोड़ दिया गया. अब देखिए छोड़ दिया गया तो पेड़ पौधे बढ़ने में समय लगती है जिसके कारण जो है पर्यावरण का जो है काफी मानने में नुकसान पहुंचता है. तो यही झूम कृषि का जो है वास्तविक
अर्थ है, और इसी कारण जो है यहाँ पर बहुत से जो है जो मिट्टी के पोषक तत्व में कमी आई है, इन्हीं कारणों से जो है लवणता की समस्या उत्पन्न बढ़ गई है। कहते हैं तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण उपलब्ध जल संसाधनों का जो है शोषण हो रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण उपलब्ध जो है जल संसाधनों का शोषण हो रहा है, जिस कारण ये तेजी से कम होता ही जा रहा है। तकनीकी कमी के कारण भारतीय नदियों की कुल वार्षिक प्रवाह का लगभग 38% ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तकनीकी कमी के कारण भारतीय नदियों के कुल वार्षिक प्रवाह का लगभग जो है 38% ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। यही स्थिति भू जल के उपयोग की भी है। कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि सिर्फ 38% ही उपयोग के लिए उपलब्ध है, और यही स्थिति जो है भू जल के उपयोग के भी कारण बनते हैं। कहते स्वतंत्रता के पश्चात जो है मत की यानी मछली उद्योगों ने, विशेषकर सागरीय मछुआरों ने जो है पारंपरिक और निर्वाह व्यवसाय को बाजार संचालित अरबों रुपये के उद्योग के रूप में बदलने देखा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए जो मछली के क्षेत्र के उत्पादन में लगे हुए हैं। वर्तमान में भारत जो है करीब 55 श्रेणियों में जो है सागरीय उत्पादों का दक्षिण एशिया व यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है निर्यात करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात करता है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी बात भी रखता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आती है कि बॉक्स में जो दो पॉइंट दिए हुए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। पहली पॉइंट तो यही दर्शाता है कि मनुष्य आरंभिक समय से ही अपनी भौतिक एवं आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता रहा है, और यह प्रक्रिया संसाधन उपयोग कहलाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि मृदा अपरदन, वन नाशन एवं अति चराई के कारण मूल्यवान मिट्टी संसाधन अपक्षय की आशंका से घिरी हुई है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि मृदा अपरदन, वन नाशन, अति चराई के कारण जो है मूल्यवान मिट्टी का, इन मृदा का संसाधन का अपक्षय हुआ है, नुकसान पहुँचा है, जो आने वाला समय में जो है बहुत दुखदायक और कष्टदायक परिस्थिति पैदा कर सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हियर, दैट इज इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मीन द डेडिकेशन एज अ प्लांट यूज एज वेल एज अ रीयूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स बाय द अवॉइडिंग देयर इज अ वेस्ट इज मिस यूज एंड ओवर यूज। There is a most important here, conservation of resource here, a wastage, misuse and overuse. Depletion of resource is a matter of great concern today. In order to be reach the maximum production limits, and we are using all those resources which are in fact there is a property of future generation. In fact, as the concept of sustainable development here, and resources are the inheritance which one of generation of human society has to be passed on to a next one. No renewable resource may be come to an end after some time. There is an important point here. No renewable resource may be come to an end after some time. Therefore, striking a balance between the growth of population and utilization of resource is absolutely is necessary. That is important here. Of course, such a balance and bound to vary in the time and space. Obviously, we have to be look at the balance between the population and resource in a regional or country as a dynamic rather than static one. Any imbalance in either of two may be scrapped their continuity of our economics and social and culture development. So resource should be used in a planet where that is a imbalance should not be taken place. That is important here. The source resource is should be used in a plan and way to the imbalance does not be take place here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, संसाधनों का संरक्षण। देखिए, संसाधनों का संरक्षण करना कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है।
कहते हैं संसाधनों का संरक्षण करना यानी अपने भविष्य को संरक्षण करने के समान होता है, लेकिन शायद ये बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं और जो प्राकृतिक संपदाओं को ऐसे विनाश करते हैं जैसे कुछ भी नहीं है इनके लिए इसका अर्थ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर इन चीज़ों का संरक्षण नहीं कीजिएगा तो शायद आने वाला समय में आपका अपना अस्तित्व ही नहीं बच पाएगा। तो संसाधनों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं संसाधन संरक्षण से उनके विवेकपूर्ण और जो है नियोजित उपयोग के साथ ही उनके अपव्यय दुरुपयोग अति उपयोग से बचाव करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का पुण्य उपयोग करना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है कि हमें जो है संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। आज पैसे के लालच में लोग जो है इन सभी चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो है प्राकृतिक चीज़ों का जो है वह नष्ट करते चले जा रहे हैं। आज संसाधनों का कम होना सबसे बड़ी चिंता का सबसे बड़ा विषय बन गया है, लेकिन ये चिंता का विषय सिर्फ प्राकृतिक का है, कहते इंसानों का तो है ही नहीं। क्योंकि इंसान अगर इस बात की चिंता करता तो शायद ऐसे प्राकृतिक का विनाश नहीं करता। आज देखिएगा कि हर क्षेत्र में जो है बड़े बड़े जो है फॉरेस्ट को नष्ट करके घर का निर्माण करवाया जा रहा है और सरकार जो है आंख बंद करके बैठी पड़ी है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और चिंता का विषय यहाँ मनुष्य के लिए नहीं है, प्राकृतिक के लिए है। कहते प्राकृतिक चिल्ला रही है, सोच रही है कि इंसान किस तक जो है लालच के चपेट में आते चले जा रहे हैं और जो जीवन देने लायक हो चीज़ें हैं संसाधन उसको नष्ट करते चले जा रहे हैं। उत्पादन की अधिकतम सीमा तक पहुंचने क्रम में हम उन सभी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जो भावी पीढ़ियों को संपत्ति है, यानी आने वाला जनरेशन के लिए सारे संपत्ति है, लेकिन हम जो है इनको विवेकपूर्ण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कहते हैं इसके दुरुपयोग करने के कारण आने वाला समय में हमारे पूर्वज जो है आने वाले में उनका जो है इनको से दीदार भी नहीं हो पाएगा। सतत पोषण विकास के विचार के अनुसार संसाधन विरासत है जो कि मानव समाज की पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। कहते हैं बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे पास आज संसाधन है वो हमारे बाद हमारे जो है बच्चों के लिए उपयोगी होगा, लेकिन हम जिस प्रकार से इसको जो है नष्ट कर रहे हैं हमारे जीवन के साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत दुखदायक परिस्थिति पैदा कर सकती है। कहते हैं नवीकरण के अयोग्य संसाधन कुछ समय बाद समाप्त हो सकती है, यानी नवीकरण अयोग्य जो संसाधन है इसमें जनरल सी बात है समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि कोयला पेट्रोल जो है समाप्त होने के कगार पे आ चुके हैं और आने वाला कुछ समय में जो है इसका खात्मा होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। तो आने वाला पीढ़ी जो है इसको सिर्फ सपनों में देखेगी और जो है सपनों में ही उसको एहसास होगा कि इसे गाड़ी मोटर भी चला करती थी। इसलिए जनसंख्या वृद्धि व संसाधनों के उपयोग के मध्य एक संतुलन बनाना आवश्यक है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो है जनसंख्या वृद्धि व संसाधनों के उपयोग के मध्य एक संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में इस प्रकार का संतुलन समय व स्थान के संदर्भ में विभिन्न होते हैं, यानी देखा जाए तो संतुलन जो है समय व स्थान के संदर्भ में विभिन्नता देखने को मिलता है। निस्संदेह हमें किसी भी क्षेत्र या देश में जनसंख्या या व संसाधनों के मध्य जो है शैक्षिक किस जगह गतिशील संतुलन को देखना पड़ता है और इस दोनों में से किसी एक में असंतुलन हमारे आर्थिक सामाजिक और संस्कृति विकास की नेता को भंग भी कर सकती है। इसलिए संसाधन का उपयोग जो है विवेकपूर्ण करने की आवश्यकता है। अगर हम विवेकपूर्ण नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आने वाला समय में जो है ये एक सपना के रूप में ही देखा जा सकता है। इसलिए संसाधनों का जो है नियोजित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि संतुलन असंतुलन न उत्पन्न हो सके। और इसमें कहते हैं जितना भागीदारी सरकार की है उतना ही भागीदारी हर एक प्रत्येक मनुष्य की है। कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि प्राकृतिक नहीं है तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइव हियर, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हियर। द फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू हियर, इट इज अ नेसेसिटी टू द क्रिएट अ अवेयरनेस। इट इज अ नेसेसिटी टू द क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स अमंग टू पीपल। They should be made aware of harmful results of large scale of destruction of the natural resource. There is a most important first point here and the next point here, afforestation. Afforestation is the preventing the failing of the immature and
यंग ट्री एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स द लोकल पीपल अबाउट द प्लांटिंग एंड न्यूट्रिएटिंग ट्रीज मे बी हेल्प इन अ कंजर्विंग फॉरेस्ट. देयर इज अ सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर. एंड द नेक्स्ट हियर थर्ड ट्रेस ऑफ फार्मिंग. ट्रेस फार्मिंग इन अ हिल रीजन्स अ कंटोर प्लंगिंग कंट्रोलिंग द शिफ्टिंग एंड कल्टिवेशन एंड ओवर ग्राजिंग एंड प्लंगिंग इन द गुल्फ. Some of are the important method of the soil conservation here. The next point here, fourth, construction of dam to be impound rainwater. Use of sprinkler and drip and trickle irrigation techniques. Recycling of water for industrial and domestical purpose will be help in a conservation of the enable water resource. The next point here, minerals are no renewable resource, so they need to be conserved through their efficient utilization and development of better technology and extraction and purification, recycling of mineral and use of substitute. The next here, sixth point, non-conventional resource of energy here. The non-conventional source of energy here is an important example. Solar, wind and water will be have to be developed in order to be save a conservational source of energy. There is important in the point in the box, there is a note down, your note copy. There is a most important point here. A conclusion also. Conservation resource a mean to decrease and plan use of natural resource by avoiding their wastage, misuse and overuse. And next year, it is necessary to the create awareness among to people about the preservation and conservation of resource here. And the next also, no renewable resource need to be conserved and used with utmost of care. There is an important point here. हमारा जो अगला पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, संसाधनों के संरक्षण की विधियाँ. देखिए, संसाधन के संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी जो है हम आने वाले फ्यूचर के लिए भी उसका जो है इस्तेमाल करने लायक रख सकते हैं. और इस तब संभव होगा जब हम संसाधन संरक्षण की विधियों को जाने और समझे. और ये आप यहीं पे समझ सकते हो कि संसाधनों को संरक्षण किस विधियों के द्वारा जो है किया जा सकता है और संसाधन हमारे लिए कितने उपयोगी है संरक्षण करने के लिए. तो कहते हैं ये आवश्यक है कि लोगों के मध्य संसाधनों के जो है परिरक्षण एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए. प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमानों पर जो है विनाश के घातक परिणाम के बारे में लोगों को जागरूक भी बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक जागरूक ये नहीं होंगे तब तक नहीं हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण रह सकता है. सरकार बेशक ये रूल रेगुलेशन बनाए, लेकिन जब तक लोग जो है इस पर पालन नहीं करेंगे तब तक उस रूल रेगुलेशन का कोई अर्थ और कोई मान्यता नहीं रह जाती है. दूसरी पॉइंट यही दर्शाता है कि वनरोपण. देखिए, वनरोपण ही इसका एक सबसे सटीक और सबसे इम्पोर्टेंट रूल रेगुलेशन हो सकती है, क्योंकि वन ही जो है प्राकृतिक में संतुलित जो है कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है. तो अभिवृक्त तथा युवा वृक्षों को काटने से रोकना तथा लोगों में वृक्ष के रोपण तथा पोषण के बारे में जागरूक उत्पन्न करना वनों के संरक्षण में सहायक सिद्ध हो सकता है. और इसमें जो है हर एक व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण योगदान भी हो सकता है. जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसमें जागरूक नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, कहते संसाधन संरक्षण करना संभव नहीं रह जाएगा. उसके पश्चात हमारे समक्ष है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सीढ़ीदार कृषि करें. देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में कृषि करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सीढ़ीदार कृषि की जाए, क्योंकि इससे जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन के जो है दोहन से बचाया जा सकता है. समुझे रेखाओं के अनुरूप जो है जुताई झूम कृषि पर जो है नियंत्रण, अति चराई और अवनवलिकम को रोकना मृदा संरक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ हैं. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाती है कि झूम कृषि जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि झूम कृषि खेती आप जानते ही हो कि इसमें जो है कुछ समय के लिए कृषि की जाती है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो झूम कृषि कहलाता है. और ये जो है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है बहुत जरूरी है कि झूम कृषि को जो है रोक लगाया जाए, नियंत्रण किया जाए. और अति चराई यानी जो कृषि के भी क्षेत्र होते हैं, घास को जो है पशुओं द्वारा चरा दी जाती है, तो इस पर भी नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है. और वन नालिकाओं को रोकना जो कि बहुत जरूरी है, मृदा संरक्षण के भी विधियों में अपनाया जा सकता है. कहते हैं अगर वर्षा जल को रोकने के लिए बांधों का निर्माण करें, फुहारा डीप या ट्रिक सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाए जो पौधों तक ही पानी पहुंचे, व्यर्थ में पानी न जाए. औद्योगिक एवं घरेलू
उपयोग हेतु जल का जो है पुनर्चक्रण अमूल्य जल संरक्षण में सहायता करेंगे। तो ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है जल संरक्षण के संसाधनों के लिए उपयोग के लिए। देखिए कहते हैं जल ही जीवन है और इन चीज़ों को जो है पुण्य सही रूल रेगुलेशन से इस्तेमाल करके ही इसको बचाया जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो साफ हो जाता है खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए कुशल जो है उपयोग निकालने का शोधन भी जरूरी है। देखिए अगर आपको पता हो कि खनिज जो है और नवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इसका जो है बहुत ही कुशल उपयोग करना चाहिए और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने पर जो है जोर देना चाहिए और इसके संरक्षण पर भी ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहता है। कहते हैं ज़्यादा अच्छी तकनीक का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और खनिज का पुण्य चक्र तथा स्थानोपन के लिए उपयोग द्वारा इनका जो है संरक्षण किया जाना चाहिए, जो कि और भी महत्वपूर्ण बात आता है। कहते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बचाने के लिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे सौर पवन जल का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं पारंपरिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं तो कई मायने में जो है हम प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर था। यहाँ पर हमारे समक्ष एक बॉक्स आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बॉक्स में जो है सारांश के रूप में हर एक बात को दर्शाया गया है, जिसे आप समझ सकते हो संसाधनों के संरक्षण से तरपते उनके विवेकपूर्ण एवं जो है नियोजित उपयोग के साथ ही उनके अपव्यय दुरुपयोग एवं अति उपयोग से बचाव करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का पुण्य उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। यह आवश्यक है कि लोगों को जो है मध्य संसाधनों के परीक्षण एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए और यह तभी हो सकता है जब इस पर जागरूकता के लिए लोग कदम उठाएं और प्रत्येक लोग जो है इस पर बहुत विवेकतापूर्ण जो है अपनी विचारधाराओं को रखें। कहते हैं अनवीकरणीय साधनों का संरक्षण एवं सर्वाधिक उचित उपयोग आवश्यक होती है, तो इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है उसका जो है हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जितना हो सके जो है नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे अनवीकरणीय संसाधन की संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, अ पॉलिसी ऑन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइव हियर, पॉलिसी ऑन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। विद द ग्रोइंग कन्वेंसनेस ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन, द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स हैज बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। There is an important point here. The source has become important for a developing country like India. We have to be increasing our R&D, research and development. There is an important point here, increasing of research and development here, refer to the exposure of the new resource. Devices a technology to the minimize waste and conserve non-renewable resource. The government of India has a formulated server policy and program to the implement for conservation of our biotic resource. The first here a policy here, a Ministry of Forest and Environment was created at union level in a country. By now, all the state government have also created an independent Ministry of Forest and Environment. There is a most important point here. Union level in 1980 is to give to high priority to issue of relative forest and environment in a country. There is an important point here. The next important policy here, National Forest Policy of 1950. There is a most important policy here, National Forest Policy of 1950 was revised in 1988 to make on effective tools as per current need to be protection, conservation and development of forest in a country. Under this policy, social forestry team was launched to increase a green coverage is a produce and supply of fuel, wood, etc. That is the second point, is the most important. National Forest Policy of 1950 was received in 1988. And next year, National Land Use and Conservation Board were established in 1983. This is important. National Land Use and Conservation Board were established in 1983 and restructured in 1985 for the land resource conservation and preparation of prospective plan
फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्स हियर देयर इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट द नेशनल वाटर पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड इन 1987 विच अकॉर्ड टू बी हाई प्रायोरिटी टू ड्रिंकिंग वाटर फ्लोइंग बाय इरीगेशनल हाइड्रो पावर जनरेशन and investigational industries and other use of water important area. The next point is the most important area, a national mineral policy formed in 1990 has allowed to the board domestic and foreign enterprise to be invest in a mineral extraction and export area. It is also allowed the authority to the permit investment in a mineral extension directly under the Union Ministry of Mines. That is an important policy here. A new agriculture policy of encouragement in a giving to use eco-friendly and sustainable agriculture technology is a biotechnology. There is a most important point here. The National Forest Policy has been to the launching for the protection and development of forests. There is a most important point in the box, note down your notebook. The National Forest Policy has been to launch it for the protection and development of forest. The next point here, National Water Policy was adopted to the conserve and preserve water resource. And next year, new agriculture policy places a premier's use of biotechnology here. हमारा अगला पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है संसाधन संरक्षण पर नीति. देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर कि पर्यावरण संरक्षण चेतना के विकास के साथ भारत जैसे विकासशील देशों के लिए संसाधनों का जो है कुशल उपयोग महत्वपूर्ण हो गया है. नए संसाधनों की खोज जो है कचरे के कम से कम करने की तकनीक और नवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें अपने अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों को बढ़ाना पड़ेगा. कहते भारत सरकार ने हमारे जैविक अजैविक साधनों के संरक्षण के लिए जो है कई योजनाएं बनाई हैं. वह कार्यक्रम को जो कार्यबद्ध भी किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. पहला कार्यक्रम तो यही बनाया गया कि राष्ट्र में वन एवं पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को जो है उच्च प्राथमिकता देने के लिए जो है सन 1980 में केंद्रीय स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया था. और आज अभी सभी राज्य जो सरकार ने भी वन एवं पर्यावरण का जो है स्वतंत्र मंत्रालय बनाया है. लेकिन कहते हैं सरकार ने हर चीज़ तो बनाया है लेकिन इसका सही उपयोग अभी तक देखने को नहीं मिला है. उसके पश्चात 1950 के राष्ट्रीय वन नीति को राष्ट्र के तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार वनों के संरक्षण सुरक्षा विकास के लिए कहते 1988 में संशोधित भी किया गया था. और इस नीति के अंतर्गत हरित क्षेत्र को बढ़ाने जलाऊ लकड़ी के उत्पादन एवं आपूर्ति आदि के लिए समाज वनिक योजना जो है प्रतिवर्तित की गई थी. कहते हैं बनाया गया है बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर. उसके पश्चात आता है भूमि संसाधनों के संरक्षण तथा इनके अनुकूलतम प्रयोग के लिए संदर्भ में योजनाएं बनाने के लिए 1983 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड की स्थापना भी की गई है. और कहते हैं सन जो है 1985 में इसे पुनः संगठित भी किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. यदि अगली पॉइंट पर हम ध्यान दें राष्ट्रीय जल नीति सन जो है 1987 में पारित की गई थी जो सिंचाई जल विद्युत उत्पादन और नौ संचलन जल के औद्योगिक एवं अन्य उपयोग के अलावा सबसे बढ़कर पेय जल को प्राथमिक दी गई थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था. कहते अगले पॉइंट जो था बहुत महत्वपूर्ण है कि सन 1990 में बनी राष्ट्रीय खनिज नीति जो है खनिजों के उत्खनन एवं निर्यात के लिए घरेलू विदेशी उपक्रमों के जो है निवेश की अनुमति देती है. केंद्रीय खान मंत्रालय के अंतर्गत प्राधिकरण को यह खनिज जो है उत्खनन में निवेश एवं परमिट के लिए यह अनुमति देता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर नीतियाँ बनाई गई है. उसके पश्चात जो है अंतिम पॉइंट देखिए नई कृषि नीति में परिमित्र एवं सतत वाही कृषि तकनीकी जैसे जैव तकनीक को प्रोत्साहित किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. और महत्वपूर्ण तो इस बॉक्स में दिए गए शब्द भी हैं जिसको आपको अपने कॉपी में नोट करना चाहिए कि वनों की सुरक्षा विकास के लिए राष्ट्रीय वन नीति जो है प्रवर्तित की गई है. जल संसाधनों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय जल नीति पारित की गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. कहते हैं नई कृषि नीति जैव
तकनीकों का जो है प्रमुखता से उपयोग और प्रोत्साहित भी करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ये भी सारे पॉइंट थे जिसको हमने यहाँ समझने की कोशिश किया, सब के सब जो है वन के ऊपर अपना महत्वपूर्ण स्थान बताते हैं। तो ये चैप्टर जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था पर्यावरण के अंतर्गत, जिसको आपको देखना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारा पर्यावरण, हमारे जो है संसाधन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके आपने त्रिपान सेंटर का हेल्प करना है, और हेल्प करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, जो है लिंक को YouTube से कॉपी करना है और WhatsApp स्टेटस पर लगा देना है, क्योंकि त्रिपान सेंटर का उद्देश्य यही है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और इस वीडियो का हर एक बच्चा जो है फ़ायदा उठाए, और इसमें जो है आप इसके जो है कड़ी बन सकते हो, अच्छे आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए, क्योंकि जब आपको कोई वीडियो की आवश्यकता होगी, अगर आप YouTube पर सर्च करोगे तो दूर दूर तक जो है त्रिपान सेंटर नज़र नहीं आएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो है होम पेज मिल जाएगा, होम पेज पर सारे वीडियो उपलब्ध है। अगर आप क्लास के अंतर्गत वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिए भी प्रावधान है, और प्रावधान ये है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास के अंतर्गत सभी वीडियो को देखिए, समझिए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।